दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। खास तौर से कांग्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असली शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है, इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना ना प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है और ना उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई नेताओं और नेत्रियों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। उनमें केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए एक तरह का आक्रोश दिखा। ओनली टू टेक पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज, ईडी इज बिकम ए वेपन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इश्यू ऑफ केजरीवाल इटसेल्फ इज शोइंग दैट देयर क्लियर पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. साफ दिख रहा है, सबके समझ में आ रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ेगा भाजपा। क्या एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को, वो कहां भागा जा रहा था? आप पूछते उनके घर पे, वो तो कहीं रहे थे। पर गिरफ्तार करके फिर ये भय दिखा रहे हैं आप कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा उसका यही हश होगा। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। ठीक है, चलो चलो सर, एक एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के तमाम विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके निशाने पे लेने की कार्यशैली कोई नई नहीं है। लगातार पिछले कुछ वर्षों में देश की तमाम विपक्ष की प्रखर आवाजों को कुचलने के प्रयास जारी हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची विपक्ष में और कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं बचा विपक्ष में जिस जो भाजपा सरकार के निशाने पर ना हो, और मैं इस कार्रवाई को उसी कड़ी में देखता हूँ। That's not politics, that's not democracy, and that is certainly neither fair nor just. I call upon the Supreme Court to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. That's my point. चुनाव से बुखला के हरकतें कर रही है। कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है, और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है, और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है,
हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखो, इस घटना का हम निषेध करते हैं। राज्य के एक मुख्यमंत्री को, एक निरापराध व्यक्ति को राजनीति की बलि जाना पड़ रहा है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कल पूरे अकाउंट को फ्रीज किया गया कि कांग्रेस पार्टी लड़े ही नहीं चुनाव में। ये भूमिका लेकर भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। लोगों ने अब इस सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। आज ही सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कांग्रेस का खाते सील कर दिए गए। विपक्ष में जो भी आवाज उठा रहा उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या होती है तो केवल कांग्रेस पार्टी भुक्तभोगी नहीं होगी, या कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी, देश की जनता परेशान होगी। चाहे किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, वो मुंह नहीं खोल पाएगा, अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं, हम यहाँ सहानुभूति प्रकट करने आए। देखो, हम तो पहले ही ऐसी राजनीति को कभी उसकी सराहना नहीं करते, क्योंकि जैसे बीजेपी ये एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, ये देश की और राजनीति के पक्ष में नहीं है और हम इसको कंडेम करते हैं। और देखो ना, एक दिन में दो काम हुए हैं। एक, कांग्रेस के जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हुए हैं। पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव बगैर विपक्ष के लड़ना चाहती है? कांग्रेस के खाते सीज कर दिए जा रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी उनके घर पहुंच जा रही है, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, शरद पवार साहब को और उद्धव ठाकरे जी को उनकी पार्टी से तोड़ दी जाती है, हमारे विधायक खरीद लिए जाते हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ईडी के साथ मिलकर के कोई साजिश है? देखिए, पहले का जो समय था उस वक्त हम देखते थे कि जब ईडी आती थी तो एक बहुत बड़ी बात होती थी, परंतु आजकल जब हम देखते हैं कि ईडी आ रही है, प्रत्येक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता है वहाँ, जो अन्य पार्टी का नेता कार्यकर्ता है वहाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के घर पर हमने ईडी को जाते नहीं देखा। तो लोकतंत्र की जिस तरह से हम हत्या होते देख रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वो वाकई में एक चिंता का विषय है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में इन दिनों आप कांग्रेस की काफी पट रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक सीट शेयरिंग पर सहमति भी बन गई। आगामी आम चुनाव को लेकर देश भर में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों की अपनी तैयारियां एकदम चरम सीमा पर हैं। लेकिन ऐसे में अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के मुख्य सूत्रधार पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कोई नया रास्ता सुझा पाएगी, या उसके मुखिया की गैर हाजिरी में संपूर्ण इंडिया ब्लॉक आम आदमी पार्टी के प्रति इससे भी ज्यादा नरम रवैया अपनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।